So redox reaction, we have to start oxidation number and valency. So valency is what? Combining capacity. हाँ दीपी, क्या हुआ? हाँ दीदी, तुम पिछले बार 7:30 में छोड़ के चले गए थे लेक्चर, इस प्रॉब्लम था। सेवन थर्टी में दो तीन बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो वही मैं देख रहा था कि एक तो तुम्हारा था, तुम ही एक गई थी और सब थे। हाँ थोड़ा ध्यान रखो, अभी वही मैं बता रहा था। हम लोग तुम लोग के लाइफ में सिर्फ एक साल के लिए आते हैं ये टीचर्स, फिर कभी नहीं मिलने वाला। ये एक साल का यूज कर लो, या तो लाइफ को एक न्यू हराइजन पे ले जाओ, या फिर एज इट इज जैसा एवरेज लाइफ सब जीते वैसे रह सकते। व्हाट इज दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये क्या होता है? होल नंबर, नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? होल नंबर जीरो, नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? मे बी होल नंबर जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल NaCl, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू प्लस वन, बट वैलेंसी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू वन। ऐसे लिखोगे तब प्लस वन नहीं लिखोगे, ये तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, कितने से कंबाइन किया, ये विदाउट प्लस माइनस होता है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया Al2O3 ऑफ एन एटम की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, बट वैलेंसी क्या हो गया, कितने बॉन्ड बना रहा है पर एटम, तो 3 ही आ रहा है। क्लियर? इसमें प्लस माइनस लिखते हो, इसमें नहीं लिखते। जैसे कि Fe3O4, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड वैलेंसी ऑफ आयरन? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन विल बी, ये -2 लोगे तो ये क्या होगा, 3x-8 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू +8/3, यही है ना। बट वैलेंसी ऑफ आयरन +8/3 तो हो ही नहीं सकता, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी कंबाइन करना है। मान लो तुम मार्केट जाते हो, तो फ्रेंड्स के साथ जाते हो, तो क्या बोलते हो, मैं दो फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, तीन फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ। कभी 2.5 फ्रेंड होता है क्या, कि ढाई फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, साढ़े तीन के साथ बाहर जा रहा हूँ? नहीं, इंटीजर ही है ना, तो उसी तरह बैलेंस ही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो +8/3 तो होगा नहीं। अब प्लस हमेशा, कभी कभी भी तुम बोलते हो कि -2 फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, या +2 फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, +3 फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, नहीं बोलते +3 फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि -3 फ्रेंड होते ही नहीं, तो सिर्फ दो फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, तीन फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, ऐसे है ना। तो उसी तरह वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो प्लस माइनस नहीं बोलोगे, सिर्फ यही बोलोगे। 10 तक थोड़ा रॉन्ग पढ़ा देते हैं लोग, प्लस माइनस बोल देते हैं, ऐसे नहीं होता, प्लस माइनस होता ही नहीं है। तो 10th वाला में कारण कंफ्यूजन लग जाता, ये नहीं होता, प्लस माइनस नहीं रहेगा, इसमें इंटीजर होना चाहिए, दो फ्रेंड तीन फ्रेंड ऐसे, इसमें 2 and 3 बोथ होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO
प्लस Fe2O3। तो यहाँ पे प्लस टू है, यहाँ प्लस थ्री है, तो वैलेंसी क्या होगा, टू एंड थ्री बोथ हो गया ना, Fe3O4 कैसे होता है, राइट। दूसरा एग्जांपल एक Pb3O4 है, तो ये माइनस टू, तो ये प्लस 8/3 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड इज इक्वल टू प्लस 8/3, बट वैलेंसी ऑफ लेड 2N4 बोथ, इनर्ट पेरिफेक्ट से 2N4 होता है, Pb3O4, एक्चुअली इसको रेड लेड बोलते हैं, ये किसका मिक्सचर है, 2PbO प्लस PbO2, Pb3O4, 2PbO तो क्या होगा इसका प्लस 2 और इसका प्लस 4। हाँ अब बताओ क्या डाउट है, क्लियर हुआ इतना, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम लोग क्लियर रहता है, बट अभी ही हो गया होगा, राइट। ओके गुड, सम एंड ऑल। नाउ देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, और ऑक्सीडेंट ये होंगे जो ऑक्सीडाइजर ज्यादा, रिड्यूसेस देमसेल्फ, जो खुद को रिड्यूस कर लेंगे, ये होगा ना, हाँ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेशन इसका होगा, मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, खुद का रिड्यूस हुआ ना, हाँ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट ये होते हैं, वो एजेंट हो गया जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मतलब उनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया तो खुद का रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स ले लो, जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एग्जाम्पल F2O2, खुद एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया इन लोगों ने। कंपाउंड्स ले लो जिसमें एक एलिमेंट हो कंटेनिंग एन एलिमेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जाम्पल KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का मैक्सिमम प्लस 6 था, मैंगनीज का मैक्सिमम प्लस 7 था, H2SO4 प्लस 6, HNO3 प्लस 5, FeCl3 प्लस 3 मैक्सिमम पे है ना सब, KClO4 प्लस 7, तो जो मैक्सिमम स्टेट में है वो तो और ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, मैंगनीज पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है 4s2 3d5, ऑल 7 बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही कर सकता है ना, मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो सकता है, तो प्लस 7 से वो रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो जो मैक्सिमम स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग है तो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें KMnO4 K2Cr2O7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हर जगह यूज करते हैं हम लोग पूरे ऑर्गेनिक में। ओके रिड्यूसिंग एलिमेंट एजेंट्स कौन से होंगे, इसी का जस्ट अपोजिट
रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिडक्टेंट। रिड्यूसेस अदर, ऐसे लिख सकते हैं, रिड्यूसेस अदर, दूसरा ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन है, डी इलेक्ट्रोनेशन, लियोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब रिलीजेस इलेक्ट्रॉन, यही है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर खुद का क्या होगा, खुद को ऑक्सीडाइज किया तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस ना, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया ऑल मेटल्स, मेटल की एक ही टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा जो भी आ गया, एग्जाम्पल NaZn, FeAl, जो भी आएगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो गया तो दूसरे को रिड्यूस किया ना, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे नाइट्रोजन का कहां से रहता था, -3 से +5 ना, नो वो मैं दोनों पे आ गया था, स्ट्रिक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड कंपाउंड्स इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड्स जिसमें कोई एक एलिमेंट लोएस्ट स्टेट में हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एलिमेंट इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जाम्पल HI, iodine का लोएस्ट ये है, H2S -2 है, तो ये सब क्या हो सकते हैं, केवल ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, सल्फर का लोएस्ट क्या है -2, वो -2 में ही है ना, तो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है ये, सल्फर का रेंज क्या है -2 से +6, आयोडीन -1 से +7, ये -1 है, आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है, तो एक कैप्चर कर लिया, अब आगे कहाँ कैप्चर करेगा, तो लोएस्ट वाले का तो एक ही है ना कि वो ऑक्सीडाइज होंगे, सब्सटेंस विच कैन वर्क, ये आते रहता है, कौन सा दोनों वर्क करेगा, बोथ हैज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एग्जाम्पल H2O2 -1 में SO2 +4 है, सल्फर का रेंज क्या होता है -2 से +6, इससे सल्फर का रेंज देखोगे तो -2 से +6, ऐसे H2SO4, और ये क्या हो गया H2S, ये हो गया ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों ये -2 स्टेट में, ये +6 में ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट बीच वाले क्या होंगे SO2 H2SO3 ये सब +4 में है तो -2 की ओर भी जा सकता है, मतलब रिड्यूस भी हो सकता है, अब +6 की ओर जाएगा तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, ऐसा क्लियर हुआ अभी, ये सब का लिस्ट क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या स्टेट है -3 से +5 ना,
एच एन ओ टू क्या वर्क करेगा, प्लस थ्री है, ये माइनस थ्री जा सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, प्लस फाइव भी आ सकता है, तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है ना। H2SO3, इसका भी दोनों हो सकता है। अब बताओ ये क्लियर हुआ, सब जो डेफिनेशन है। यस ओके। स्नेहा अपने बैच में कोई स्नेहा भी है? स्नेहा कब से ज्वाइनिंग है तुम्हारी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। तो मिल गए दोनों आएगा, NO2 भी। स्नेहा कब से ज्वाइन किया तुमने? मुझे ये नाम नहीं याद आ रहा है। स्नेहा तुम लोग बैच से है ना? स्नेहा कुछ बताओ मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है पहली बार ये नाम देखा मैंने। स्नेहा क्या आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? ठीक है, देन आई विल रिमूव यू नाउ। ओके अच्छा हुआ। अरे तुम लोग तो बताओ, खुद से चलेगी इसमें? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अपने बैच का बच्चा था इसके लिए बोला। ओके ये बता दिया मैंने, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ इससे पहले टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखें। पहला हो गया इंटर मॉलिकुलर। अब ये सब केवल डेफिनेशन है, मेन हम लोग को बैलेंस ही करना है। इंटर मॉलिकुलर रिडक्स रिएक्शन, जैसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाए, Na प्लस Cl2 NaCl, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, यही है ना। सोडियम थायोसल्फेट ले लो प्लस आयोडीन ले लो, तो ये आ जाएगा NaI प्लस Na2S4O6 प्लस 2.5। दूसरा हो गया इंट्रा मॉलिकुलर,
कैसीएल L3 लो, प्लस 5 है, इसको हिट करोगे तो ये कैसीएल R2 ब्रेक होता है ऐसे। H2O2 ले लो -1 से, या वो मतलब KMnO4 हिट करो, ये +7 है, इससे ये आता है K2MnO4 +6 +MnO2 +4 +O2 0 ऐसे। ओके तो एक ही ये मॉलिक्यूल है, उसके अंदर से ही ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है हिट करने पे। अब एक रिएक्शन आ गया तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल H2O2, इसमें ऑक्सीजन है, -1 से यही रिड्यूस हुआ -2 में, और O2 में 0 में। फॉस्फोरस का ले लो P4 +NaOH, ये बन जाता PS3 +NaH2PO2, ये +1 आ गया, ये -3 हो गया। तो फास्फोरस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पे क्या कहलाया गया, रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ये नेम इंपॉर्टेंट है डिस्प्रोपोर्शन से, बाकी किसी का कुछ नहीं हुआ। ऊपर वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। सल्फर के साथ NaOH ले लो, तो सल्फर ही Na2S और Na2SO3 में जाएगा, -2 और +4 सल्फर का रिडक्शन, सल्फर का ऑक्सीडेशन। ओके और कौन प्रोपोर्शनेशन, इसी का अपोजिट कॉम कॉम्बिनेशन करना है, वो डिस मतलब डिसप्रोपोर्शनेट करना, प्रोपोर्शनेशन ये अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन है। यहाँ सल्फर का दो स्टेट ले लो, -2 +4, यहां से किधर आ गया सल्फर 0, इसका अपोजिट रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन है, फॉरवर्ड रिएक्शन कॉम प्रोपोर्शनेशन। सिर्फ नाम के लिए ऐसा, बाकी मतलब नहीं है। ये क्लियर हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड कॉम प्रोपोर्शनेशन। ओके क्लियर। ओके टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो गया, नाउ प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इन रेडॉक्स रिएक्शंस प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन रेडॉक्स रिएक्शन, पहला हो गया KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसिडिक मीडियम गोज टू Mn+2,
एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के इसका एन फैक्टर 5 होगा, एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास में आया था, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास बाय दिस, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो गया 5 ना, अब ये केमनो 4 न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन ले लो, हो जाएगा प्लस 4 में, एन फैक्टर होगा 3। अब केमनो 4 स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन ले लो, तो होगा K2MnO4 में, एन फैक्टर विल बी 1। ओके, तो केमेनो फोर का ये याद करके रखना है कि इस फॉर्म में जाता है। एसिडिक में एन फैक्टर 5, न्यूट्रल में 3, अल्कलाइन में 1। दूसरा K2Cr2O7 वो कहाँ जाएगा, प्लस 6 से प्लस 3, तो इसका एन फैक्टर जो होता है 6 आता कैसे, नंबर एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया 3, इंटू ऐसा दो एटम है 3 × 2 = 6, एन फैक्टर वाला बात बाद में करेंगे टाइट्रेशन में, पहले तो रेडॉक्स का बात कर ले, इतना हो गया। तो किस में जाएगा बस वो लंग कर लेना, और इसका एक ही बस है, ये केवल एसिडिक मीडियम होगा, बेसिक न्यूट्रल में होता ही नहीं है, केमेनो फोर तीनों कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है ना। हाँ, बट ये केवल एसिडिक मीडियम में ही करेगा। ओके, HNO3 may go to NO2, NO, N2O, depending upon concentration. Highly concentrated होता है NO2 होता है, dilute में N2O आ जाता है, ये सब तो बाद में आएगा। Conc H2SO4 ले लो, तो ये SO2 में रिड्यूस होगा, जब भी रिड्यूस होगा मतलब H2SO4 किसी को भी ऑक्सीडाइज हो तो SO2 निकलेगा, वो H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दोनों वर्क करता है ना, तो H2O2 का खुद का रिडक्शन होगा H2O में, मतलब वो किसी को भी ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद वाटर बन जाएगा, अपना एक ऑक्सीजन भेज देगा उसको, खुद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2O2 एज एन रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस हुआ तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो H2O2 ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, O2 में जाता है। H2S फिक्स है, कुछ भी लो सल्फर में जाएगा, Fe2+ का फिक्स है, हर हालत में Fe3+ ही होगा, SnCl2 का फिक्स है, +2 है तो +2 से +4 ही जाएगा, NaNO2 का फिक्स है, नाइट्राइट लोगे तो +3 है तो NaNO3 +5 ही जाएगा, ये सब हो गया कि एक्सपेक्ट किस में करोगे, तो मेन KMnO4 था और K2Cr2O7 था, कौन किस में जाता है, बट इसके लिए पूरा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक, तब जाके एक्चुअली एक रिएक्शन क्लियर होगा, अभी बस एक गाइडलाइंस है, हर जगह फिक्स नहीं है ये। नाउ अभी तक जो बताया उससे तक कम आएंगे, बट ये बैलेंसिंग आता है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में देखो
फर्स्ट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्ट्स, आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ परफेक्ट आवाज आ रही है, ओके। अच्छा तुम्हारे साइड से कोई प्रॉब्लम, बाकी सब ने बोला कि सही आ रही है आवाज, परफेक्ट आ रही है, तो तुम्हारे वो टावर थोड़ा डिस्टर्ब होगा कुछ। ओके बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है कि हम लोग क्या बैलेंस करते हैं, दो में एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो बोर्ड्स में चला जाता है, फिर भी मैं बता दूंगा, हम लोग का नेम होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कौन सा करेगा, लॉस्ट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो बाय रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बैलेंस्ड ओनली, इससे बैलेंस क्या होगा, एटम्स एटम्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड, सिर्फ यही बैलेंस्ड होगा एंड रेस्ट आर बैलेंस्ड बाय इंस्पेक्शन। अब इसका मतलब क्या हो गया, तुम सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस रेशियो में कंबाइन करेंगे तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ वो तो बैलेंस हो गया, बट अदर एलिमेंट के लिए जैसे पहले मेथड था वैसे ही करोगे। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं सिंपल। जैसे कि मैंने बोला कि Na2S2O3 प्लस I2 गिव्स आउट Na2S4O6 प्लस NaI। अब तुम्हें बैलेंस करना है इसी रेडॉक्स रिएक्शन से, वो तुम्हें कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे कि भाई इंस्पेक्शन बैलेंस कर लो, 9th 10th में कैसे करते थे, हीट एंड ट्रायल मेथड इधर इधर देख के बैलेंस कर दिया, बट अब ऐसे नहीं, अब कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें इंस्पेक्शन से बैलेंस करते रह जाओ होंगे ही।
तुम्हें बैलेंस अब इससे करना होगा, इससे कोई भी कम्प्लेक्स इक्वेशन हो सब बैलेंस हो जाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है कि तुम वो आइडेंटिफाई करो कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइज और हुए। सोडियम का प्लस वन होता है तो थ्रू आउट तो प्लस वन ही है, ऑक्सीजन का माइनस टू है कंपाउंड में तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ऑक्सीजन ही आएगा। तो सोडियम जब प्लस वन है और ऑक्सीजन माइनस टू है तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज किसका हो रहा, चेंज हो रहा है सल्फर का, ये प्लस टू से प्लस 2.5। तो इलेक्ट्रॉन लॉस किसने किया, सल्फर ने लॉस किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सल्फर कितना, एक सल्फर 2 से 2.5 हो गया, मतलब कितने का चेंज हो गया, 2.5 माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया इनटू एटॉमिसिटी 2। ऐसा दो सल्फर है ना Na2H2O3 में, एक सल्फर प्लस 2 से प्लस 2.5 किया, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और ऐसा दो सल्फर है, ऐसा वन हो गया ना। और आयोडीन का देखो तो 0 से -1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कितना हो गया, चेंज 1 इंटू ऐसा दो एटम है इंटू एटॉमिसिटी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, अब इमेजिन करो Na2H2O3 ने एक इलेक्ट्रॉन थ्रो किया, देयर इज ब्लैंक स्क्रीन, ओ स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या अभी, दिख रहा है, दिख रहा है विजिबल, हाँ मेहुल फिर से रिज्वाइन करो तुम, ये क्या हो रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा एक फ्रेंड था उसको फिजिक्स में लाइट पसंद नहीं था और साउंड पसंद नहीं था, सबसे इजी चैप्टर है फिजिक्स में साउंड और लाइट, मैकेनिक्स वगैरह टफ पड़ जाता है ना, वो वही बोलता था कि अरे भाई मैं साउंड में बहरा हो जाता हूँ और लाइट में अंधा हो जाता हूँ, ये दो चैप्टर उसे पसंद ही नहीं थे, फिजिक्स में दो सबसे इजी चैप्टर ही है साउंड एंड लाइट। ओके Na2H2O3 ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अब ये सोचो Na2H2O3 ने आया यहां से एक इलेक्ट्रॉन थ्रो कर दिया, अब I2 आएगा इलेक्ट्रॉन कैच करने, उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दो इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, इसका मतलब इसका 2Na2H2O3 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थ्रो करेगा तब तो ये कैच करेगा ना, किस रेशियो में कंबाइन हुआ, जब 2 मोल ऑफ Na2H2O3 ऑक्सीडाइज होगा तो 1 मोल I2 रिड्यूस होगा, रेशियो यही बना ना, तो किस रेशियो में कंबाइन कर गई है Na2H2O3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बैलेंस करना है तुम्हें Na2S4O6 प्लस I2, ये सल्फर का हो गया कितना था 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, किस रेशियो में कंबाइन करेगा, आयोडीन को 2 चाहिए 2:1, मतलब जब इसका 2 मोल्स ऑफ Na2S3 2 इधर कर दो 1 इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ तो 2:1 के रेशियो में होगा, तो 2Na2S2O3 जब 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से, तो तुम्हें बैलेंस सिर्फ कौन कौन सा हो गया Na2H2O3 और I2, अब इधर 2 मालूम चल गया तो उसके थ्रू राइट में 2 मालूम चल जाएगा, तो सल्फर कितना है 2+2 4 ना, तो इधर सल्फर 4 है तो एक ही छोड़ दो बैलेंस हो गया, और आयोडीन कितना हो गया इधर 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये Na I है 2Na I कर दे तो बैलेंस हो गया ना, अभी बैलेंस क्या हो गया सल्फर आयोडीन, अब रेस्ट को बैलेंस करो तो रेस्ट को बैलेंस करना चलोगे देखो तो खुद ही बैलेंस हो गया सोडियम ऑक्सीजन, ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ा हम लोगों को,
ओके ये सबसे सिंपल एग्जांपल दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, एस टू एस फाइव प्लस एच एन ओ थ्री गिव्स आउट एस थ्री एस ओ फोर प्लस एन ओ टू प्लस एच टू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ। मॉलिकुलर रिएक्शन, इसमें आयन एच प्लस और ओ एच माइनस नहीं आएगा। अब इसमें मुझे ये बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट अभी तक दो ही आंसर है, नाइट्रोजन इज रिड्यूस एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज, आयुष ने बताया और शुभम ने बोला एच एन ओ थ्री। ठीक है, तो सल्फर का स्टेट क्या होता है? आर्सेनिक सल्फर कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सल्फर स्टेट क्या आएगा? माइनस टू। तो आर्सेनिक का स्टेट प्लस फाइव, यहां भी प्लस फाइव। आर्सेनिक का तो कुछ नहीं हो रहा, हाइड्रोजन तो प्लस वन है थ्रू आउट, उसका कुछ नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रिएक्शन में एज इट इज पड़े रहते हैं। हाँ, एच टू ओ टू ऐसा बन जाता बात अलग है। नाइट्रोजन का प्लस फाइव से प्लस फोर, ऑक्सीजन माइनस टू थ्रू आउट, हाइड्रोजन प्लस वन थ्रू आउट, तो बचा ही क्या? आर्सेनिक का भी नहीं चेंज हुआ, तो चेंज किसका है? सल्फर का ना, सल्फर ऑक्सीडाइज होगा।
सोचो जब सल्फर ऑक्सीडाइज होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का स्टेट कहां पे गया, -2 से +6, कितने का चेंज है, एक सल्फर एटम -2 से +6 जा रहा था पहले, तो -2 से 0 जाएगा, फिर 0 से +6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ना, और ऐसा एटॉमिसिटी कितना है 5, 8 × 5 = 40, मतलब एक सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ऐसा 5 सल्फर एटम्स आ गए, क्लियर ना, 40 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है। AH2S5 इमेजिन करो, एक बार 40 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया, तो NO2 क्या करेगा, वो +5 से +4, वो एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, तो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन दिखे ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब एक मोल AH2S5 जब ऑक्सीडाइज होगा तो 40 मोल HNO3 को रिड्यूस करेगा, मतलब AH2S5 जब ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 ऐसा 40 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, टोटल कितना है 40 इलेक्ट्रॉन्स, और HNO3 क्या कर रहा है, आके एक इलेक्ट्रॉन ले जा रहा था, हर एक HNO इलेक्ट्रॉन के लिए एक HNO3 आया ना, इमेजिन करो, तो 40 इलेक्ट्रॉन था तो 40 HNO3 आएगा, मतलब सिंपली इट इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, इसका कोएफिशिएंट उसके पास, इसका कोएफिशिएंट इसके पास, यही रहेगा ना, तो 40 इंटू इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका 40, तो तुम्हें लेफ्ट साइड में दो बैलेंस मिल गए, कौन कौन सा, एक सल्फर और एक नाइट्रोजन, इससे तुम उधर का सल्फर और उधर का नाइट्रोजन बैलेंस कर दो, बाकी सब तो इंस्पेक्शन से ही बैलेंस करना है। तो कितना हो गया AH2S5, इसका कोएफिशिएंट 1 और HNO3 40, इसमें बैलेंस क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या, नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने में कौन सा लेना था तुम्हें, सल्फर और ये, तो सल्फर का 5 और यहाँ नाइट्रोजन का 40, उधर सल्फर बैलेंस करो, सल्फर किस फॉर्म में है, अब राइट साइड चेक करो, सल्फर का फॉर्म क्या है, H2SO4, तो सल्फर 5 लेना है, तो 5H2SO4, सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन कितना है 40, तो उधर नाइट्रोजन का फॉर्म देखो तो क्या है NO2, 40 NO2, ये चार बैलेंस है, नाइट्रोजन सल्फर बैलेंस है, बाकी तुम्हें बैलेंस करना होगा, एज इट इज इंस्पेक्शन से बैलेंस करो। आर्सेनिक कैसे बैलेंस होगा, अब मतलब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बैलेंस किया, तो उसके थ्रू दो कंपाउंड बैलेंस हो गए, आर्सेनिक कैसे बैलेंस होगा, यहाँ 2 था, आर्सेनिक का फॉर्म देखो तो उधर क्या है H3SO4, तो 2H3SO4 कर दें, आर्सेनिक भी बैलेंस हो गया ना, आर्सेनिक सल्फर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब क्या बच गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे बाय इंस्ट्रक्शन क्या बैलेंस कर सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, बताओ राइट में कर दो, हो गया ना, ऑक्सीजन इधर कितना था 120, उधर ऑक्सीजन काउंट करो, सिर्फ 12H2O का दो था हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्लियर हुआ सबको इतना, हाँ ठीक है, साइज में पहले कर दिया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लास्ट में कोई एक देख लो, हाइड्रोजन ही देख लो तो बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन 14 40 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में था, और राइट साइड में 10 + 6 = 16 था, तो 12H2 करोगे तो ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस होना था ना, क्लियर हुआ, ओके। अब देखें ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये किसके लिए, आयोनिक रिएक्शन, रिएक्शन आयोनिक हो तभी H+ OH- ऐड करोगे, तो जब हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब तुम्हारे पास क्या है H2 और H+,
यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब बेसिक मीडियम में क्या है? H2 और OH माइनस। वाटर तो है ही, वाटर में H प्लस डाला हुआ। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा? जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना H प्लस ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है? हाइड्रोजन तो है ही ना तुम्हारे पास। किसी आयोनिक रिएक्शन में हाइड्रोजन की जरूरत पड़े और मीडियम एसिडिक कहता है, जितना H प्लस चाहिए उतना डाल दो। बट ऑक्सीजन के लिए तुम्हारे पास O2 करके कुछ नहीं है, क्या है? H2 है ना। हाँ, तो तुम्हें क्या कॉम्बिनेशन लेना होगा? H2O और उसका डबल H+, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो पाए। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यही कॉम्बिनेशन काफी है, एक H2 और एक OH-। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, एक हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में ज्यादा हो जा रहा है ना, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो H2 और 2OH- तो होगा। तो यही चीज याद नहीं रहेगी तुम्हें, ना जल्दी समझ में आएगी। इसको बताता हूँ मैं। इसमें देखो, दोनों हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन राइट में ज्यादा हो गया, तो मैं राइट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ऐसा होगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा ये जो मैंने अभी बताया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयोनिक इक्वेशन Cr2O7 2- प्लस आई माइनस, गिव्स आउट Cr3+ प्लस I2 प्लस H2O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? सिर्फ एलिमेंट का नेम लिखो। ओके, इट इज क्रोमियम विच इज +6 से +3 रिड्यूस। तो क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया, यहाँ पे कितना लिखा जाए इलेक्ट्रॉन? एवरीवन नाउ सजेस्ट, बहुत टाइम हो गया अभी लिखते हुए। हाँ, क्रोमियम इज रिड्यूस, कितना इलेक्ट्रॉन लिखो? यस आयुष, करेक्ट है। और कितना लिखना है वो बताओ। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। आयुष एन आनंदी, दो को समझ में आ चुका है, करेक्ट है। अथर्व आल्सो 3। साहिल रॉन्ग हो रहा है, 3 आंसर करेक्ट आ चुके हैं। बट आई थिंक क्या अब ये होना चाहिए, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन नहीं याद आ रहा तुम लोगों को। हाँ, शुभम ने भी करेक्ट बता दिया, चलो चार लोगों ने तो करेक्ट बता दिया। 14 में 4 का करेक्ट है, बट एक्चुअली 14 में आई एक्सपेक्टेड 12-13 लोगों का करेक्ट आना चाहिए। एक दो लोग मिस कर रहे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनका हो सकता है। बट क्या इतने लोग नहीं पढ़ने वाले हैं क्या, जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्रोमियम का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी क्या होगा? रोडियम, सौरभ, यश, आदित्य, सब क्या है ये सब आंसर? अचल, बिल्कुल शांति है सब। यश करेक्ट है। तो अब आंसर हो गया आयुष, आनंदी, अथर्व, यश और शुभम। तो ये 5 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो तुम लोग?
ठीक है, चलो इतने लोग भी पढ़ते हैं तो बहुत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना था? एक क्रोमियम प्लस सिक्स से प्लस थ्री गया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? प्लस सिक्स से प्लस थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन का गेन किया इन टू एटोमिसिटी। ऐसा दो क्रोमियम एटम है ना, एक क्रोमियम एटम तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऐसा दो क्रोमियम है तो थ्री इंटू टू सिक्स इलेक्ट्रॉन होगा ना। आयोडीन का बताओ, माइनस वन से जीरो, एक आयोडीन वन का गेन कर रहा है और ऐसा एटोमिसिटी आयोडीन का यहाँ पे क्या एक ही है ना, तो कितना होगा इलेक्ट्रॉन? वन, यस वन होगा। मतलब अब इमेजिन करो, एक आई माइनस आया और एक इलेक्ट्रॉन लीव करके चला गया, जबकि सी आर टू ओ से बना रहा उसे सिक्स इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किस रेशियो में कंबाइन करेगा? एक आई माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐसे टॉस कर रहा है, हाँ तो सिक्स इज टू वन ना, तो जब सिक्स आयोडीन आएंगे तब ये सिक्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब ये एक सी आर टू ओ सेवन का काम बनेगा, तो वो सिक्स इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, जब सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स आई माइनस ऑक्सीडाइज तो एक सी आर टू ओ सेवन रिड्यूस होगा, हाँ तो रेशियो क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गया यहाँ पे इंटू सिक्स और ये इंटू वन, ये बन गया सी आर टू ओ सेवन टू माइनस सिक्स आई माइनस। तो लेफ्ट साइड का दो का कोएफिशिएंट मालूम चल चुका तुम्हें, कौन कौन सा बैलेंस क्या होगा, क्रोमियम आयोडीन, बाकी कुछ भी बैलेंस नहीं है। इधर क्रोमियम कितना हो गया टू है, तो उधर टू सी आर थ्री प्लस लिख दो। आयोडीन कितना है, सिक्स है ना, तो थ्री आई टू लिख दो। क्लियर हुआ, तो इधर दो कोएफिशिएंट मिल गया, तो इधर से इसका दो कोएफिशिएंट मिल गया, अब और क्या बैलेंस करना बाकी रह गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ ही नहीं, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे? अब ये मीडियम एसिडिक है, लिखा रहेगा वहां पे एसिडिक मीडियम, के टू सी आर टू सेवन केवल एसिडिक मीडियम में जाता ही है, बेसिक में जाता ही नहीं है। यहाँ जो सेवन ऑक्सीजन है तो क्या हम लोग ये ओ टू लिख देंगे क्या? नहीं, इक्वेशन देखो जो ऊपर बैलेंस किया हूँ वो टू करके तो कुछ बना ही नहीं, क्या है उधर एच टू ओ है ना, ना ओ टू नहीं है, हाँ एच टू ओ के फॉर्म में, राइट करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही, ये फोर्टीन एच टू ओ हो गया। तो ऑक्सीजन का तो काम बन गया, बट अब एक्स्ट्रा पड़ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से लाए, तो एसिडिक मीडियम में तो डायरेक्ट फोर्टीन एच प्लस कर दो, हो गया करेक्ट, हाँ तो ये कॉम्बिनेशन है ना एच टू और टू एच प्लस, जितना एच टू ऐड किया उसका डबल एच प्लस ऐड कर दो, हो गया, जितना एच टू ऐड किया तो हाइड्रोजन ज्यादा पड़ गया ना, तो डबल एच प्लस कर दोगे तो काम हो जा रहा है ना। ओके एक और करते हैं, ये जितना भी मैं बोलूंगा ना डायरेक्ट मत करना, ये तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, कितनी भी कोशिश करो नहीं होंगे, तुम्हें ये मेथड सीखना है, ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं छोड़ो डायरेक्ट कर लेंगे, बट होगा ही नहीं, इंस्पेक्शन से आगे मैं देता हूँ ना वो क्वेश्चन नहीं होगा, अभी तो इजी इजी बता रहा हूँ सिर्फ। तो तुम्हें प्रैक्टिस करना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, करना ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन निकालो और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अल्कलाइन मीडियम। चलो अभी अटेम्प्ट करो तो एक बार, अल्कलाइन मीडियम मतलब एच टू और ओ एच माइनस है, यही है ना,
आंसर हुआ है। चलो साहिल तुमने एच प्लस डाल के तो किया ना, अब क्या करो, टू एच प्लस आया ना उसको टू ओ एच माइनस दोनों साइड ऐड कर दो, टू ओ एच माइनस, अल्कलाइन मीडियम है इसलिए। हाँ तो ये भी एक अच्छा मेथड हो जाएगा। ठीक है अटेम्प्ट तो किया ना, मगर तीन चार लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग अटेम्प्ट कर ले, जस्ट ऑल ऑफ यू नीड टू स्टडी। देखो आर्सेनिक का स्टेट +3, यहाँ +5, मैंगनीज +7, +4, ये सब कैसे आता है वो मैंने बता दिया था, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो आर्सेनिक में +3 से +5 मतलब दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एटॉमिसिटी आर्सेनिक का 1 ही था, मैंगनीज का +7 से +4 तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा वो बताओ, 3 × 2 हो जाएगा ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2 से होगा, मिल गया कोएफिशिएंट, ये हो गया 3SO3 3-, और यहाँ पे 2MnO4-, तो इधर दो बैलेंस हो गया तो इसके थ्रू उधर दो बैलेंस होगा, यहाँ बैलेंस केवल आर्सेनिक और मैंगनीज हो गया, तो इधर आर्सेनिक बैलेंस करो तो कैसा होगा, 3SO4 3-, और मैंगनीज को बैलेंस करो तो क्या होगा, 2MnO2। अब क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना है इधर 9 उधर 8, 9 + 8 17 है ना, और इधर ऑक्सीजन हो गया 12 + 4 16, 4 × 3 12 + 4 16, और इधर 17, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर 17 ऑक्सीजन है, इधर 16 ऑक्सीजन है, तो इधर एक ऑक्सीजन बढ़ाना होगा ना। तो तुमने क्या किया साहिल ना, देखो तुम्हारा अप्रोच ठीक है, आई लाइक कि तुमने क्या कर दिया, H2O तो बैलेंस हो गया तो इधर 2H+ कर दिया, बट मीडियम एसिडिक नहीं अल्कलाइन है, यदि एसिडिक मीडियम रहता तो एग्जैक्टली राइट है, H प्लस है ही नहीं, OH माइनस है, तो तुम ये भी कर सकते हो कि तुमने ये किया ना तो 2OH- दोनों साइड ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2H2 आ गया, तो राइट में भी एक H2O था, इसको माइनस कर दो तो ओवरऑल क्या बच गया, यहाँ पे एक H2O और इधर एक 2OH-। H2O + 2OH- यही बचा ना, तो यदि H+ से करना होगा तो, बट ऐसे करना नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट बैलेंस करना है। कैसे डायरेक्ट बैलेंस करना है अब याद करो, ये साहिल ने जैसे किया मैंने वैसे बता दिया, और मान लो बेसिक मीडियम है, ऑक्सीजन इधर कितना है 17 और इधर 16, तो जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर उतना ही H2O ऐड कर दो, इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है उतना ही एक H2O ऐड कर दो, और इसका OH- यहाँ पे, तो ये अच्छे से याद कर लो, जहां पे मैंने 3 स्टार दिया था कि ये याद नहीं होता, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है मान लो 5 ऑक्सीजन लेफ्ट में ग्रेटर हो तो उतना ही H2O ऐड करो और उसका OH-। तो यही मैंने बोला कि सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन और जल्दी बैलेंस नहीं होता, क्यों इतना ही नहीं याद आता किसी को कि अच्छा जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर उतना ही H2O ऐड कर दो और OH-। देखो तो अभी सब बैलेंस हो गया ना, इस कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन तो बैलेंस आया ही, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तब यहाँ पर करना क्या पड़ा, इधर ऑक्सीजन एक ज्यादा था तो उधर H2O डाल दो और उसका OH-। या जैसे इसने किया ना कि क्या किया इसने, एक H2O डाल दिया और इधर 2H+ डाल दिया, तो भी करेक्ट है, ये तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो तुम ऐसे ही करो, बाद में OH- दोनों साइड ऐड कर दो उतना ही, तो क्या हो गया ये 2H2O ना, ये हो गया 2H2O, इधर H2O और 2OH-, तो इसको क्या करोगे H2O के इधर माइनस कर दो, ये बच जाएगा H2O और 2OH-। देखो तो यही बैलेंस किया ना H2O और 2OH-। हाँ नंदी बताओ बोलो। लास्ट में आपने जो बोला ना भूल गए तो वो OH- ऐड करना, वो नहीं समझा, यदि भूल गए तो H+ में बैलेंस हो जा रहा है क्या, H+ डाल के हो जा रहा है कि H2O और 2H+ से बैलेंस हो रहा है। हाँ सर H+ से बैलेंस हो रहा था। हाँ तो H2O और 2H+ से बैलेंस हो रहा है, तो सिंस मीडियम में तुम्हें H+ तो रखना नहीं है तो H+ को न्यूट्रलाइज करो OH ऐड करके।
हाँ तो दो OH माइनस ऐड कर दो तो न्यूट्रलाइज होकर वाटर बन गया, 2H प्लस टू एच माइनस ऐड कर दो तो 2H2O बन गया ना वो, और राइट में 2H फिर H2O माइनस कर दो। बट आई विल प्रेफर कि तुम ऊपर वाला मेथड याद करके रखो कि डायरेक्ट H2 और 2H माइनस से बैलेंस होता है। ओके अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रहेगा तो कैसे बैलेंस करेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में उसी रिएक्शन को दो बार लिखना पड़ेगा तुम्हें तब बैलेंस होगा। जैसे P4 प्लस NaOH गिव्स आउट PS3 प्लस NaH2PO2। तो जीरो से माइनस थ्री और ये प्लस वन है, तो टू बैलेंस P4 को तुम्हें दो बार लिखना है ऐसे और ऐसे, और एक से एक को बैलेंस करो और दूसरे वाले से दूसरे को, इसी को दो बार लिख देना, याद कर लेना कैसे करना होगा। एक P4 से इसको बैलेंस करो, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ? ये क्या है? रिडक्शन ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना हो गया? जीरो से माइनस थ्री, थ्री इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ऐसा फोर है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन, यही हुआ ना। और इधर जीरो से कितना जा रहा है? NH2PO2 प्लस वन, ऑक्सीडेशन नंबर तो लिख पाओगे वो जो प्रैक्टिस कराया था, जीरो से प्लस वन कैलकुलेट करना, प्लस वन आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऐसा फोर है ना, तो फोर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। इसको किस रेशियो में बताओगे कैसे करें बैलेंस करने के लिए? ये एक बार में 12 इलेक्ट्रॉन गेन करना, बट ये चार ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये इसका 3 मोल ऑक्सीडाइज होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन देगा, तब इसका एक मोल रिड्यूस होगा, इंटू वन ना इंटू थ्री। सोचो ये क्लियर हुआ? और समय एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन था, करेक्ट। इस बार P4 और P4 को ही दो बार लिखना पड़ गया। ओके अब ये हो गया P4 एक, बट इससे बैलेंस कौन सा होगा? PS3। तो PS3 कितना लिखोगे? 4 PS3 ना, तो इससे बैलेंस केवल फास्फोरस हाइड्रोजन नहीं, हम लोगों ने तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ P4 से क्या बैलेंस होगा? इस P4 से NH2PO2 आ रहा है, ये किस रेशियो में? 3P4 ना, तो फॉस्फोरस इधर कितना हो गया? 12। यहाँ क्या कर लोगे? 12 NH2PO2 कर दे तो काम हो जाएगा ना। क्लियर? तो इसमें बैलेंस क्या है? सिर्फ फास्फोरस। अभी तुम्हें सोडियम बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो सोडियम कैसे बैलेंस होगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड में NaOH है ना, P4 को रिएक्टेंट साइड में ऐड करना होगा। ये P4 से क्या बैलेंस हो गया? ये वाला बैलेंस हो गया, इस P4 से ये बैलेंस हो गया। सोडियम तो अभी बैलेंस नहीं है, तो सोडियम कैसे बैलेंस होगा? अब इंस्पेक्शन पे आ जाओ, इंस्पेक्शन से किया तो सोडियम 12 था, 12 NaOH कर दिया, हो गया काम, तो अब सोडियम बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो अभी बैलेंस करना है, वो क्या करने पर बैलेंस होगा? थोड़ा इंस्पेक्ट करो तो मालूम चलेगा, सिर्फ 3 यहाँ पे 12H2 इधर कर दो तो बैलेंस हो जा रहा है सर। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होना ही था। अब इसको लिख दोगे 4P4 प्लस 12NaOH प्लस 12H2O 4PS3 प्लस 12NH2PO2, तो ऐसे फिर 4 कॉमन है, 4 हटा दो, 4 हटा दोगे कॉमन तो क्या बच जाएगा? P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O PS3 प्लस 3NH2PO2,
सबको क्लियर है? हाँ, तो ये सब प्रैक्टिस बेस्ड होगा बिल्कुल। ओके, एक और देखें, Cl2 प्लस OH माइनस। अभी मीडियम बेसिक है, लिखा नहीं रहेगा, तुम NaOH देखो तो समझ जाओ बेसिक है। हाँ, इसको बैलेंस करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 है, +5 जा रहा है, राइट? 2-3 मिनट टाइम लो, ट्राई करो।
ओके अटेम्प्टेड सीएल टू प्लस सेवन ओएच ओएच माइनस और एच प्लस दोनों नहीं होगा, चल बेसिक मीडियम है तो सिर्फ ओएच माइनस देखेगा। हाँ साहिल, थ्री सी एल टू प्लस सिक्स ओ एच माइनस फाइव सी एल माइनस प्लस सी एल थ्री माइनस प्लस थ्री एच टू, करेक्ट है। ओके देखो सी एल टू ही ऑक्सीडाइज और सी एल टू ही रिड्यूस किया था, एक सी एल टू को ऑक्सीडेशन के लिए एक को रिडक्शन के लिए ले लो, एक ऑक्सीडेशन के लिए एक रिडक्शन के लिए। इस सी एल टू को जीरो से लेके माइनस बन गया, चेंज कितने का हो गया वन और एटोमिसिटी टू है, मतलब टू इलेक्ट्रॉन गेन, ऐसा लिख सकते हो क्या? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से माइनस वन मतलब वन इंटू एटोमिसिटी टू, और इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से फाइव मतलब फाइव इंटू एटोमिसिटी टू, टेन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो किस रेशियो में कंबाइन करेगा? जब सी एल टू सी एल ओ थ्री माइनस बना तो दस इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और जब सी एल टू से सी एल माइनस बन रहा तो टू इलेक्ट्रॉन ही गेन किया, मतलब कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा इसका? जितने देर में वन लॉस होगा उतने देर में इसका फाइव कंबाइन करेगा ना, ये हो जाएगा फाइव सी एल टू, इससे क्या बैलेंस होगा? ये टेन सी एल माइनस। और दूसरा कौन सा होगा? ये सी एल टू तो एक ही है, ये सी एल ओ थ्री माइनस, ऐसे ना, इसको टू कर दो बस, ये चारों बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, कितना है? सिक्स ऑक्सीजन ना, तो मैंने बोला था जिधर जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ही H2O ऐड कर दो, इधर सिक्स ऑक्सीजन राइट में ज्यादा है तो सिक्स H2O ऐड कर दो, और इसका डबल OH- माइनस यहाँ पे ऐड कर दो, बस हो गया, हो गया सिक्स सी एल टू प्लस ट्वेल्व OH- माइनस गिव्स आउट टेन सी एल माइनस प्लस टू सी एल ओ थ्री माइनस प्लस सिक्स H2O। अब इसको टू से डिवाइड कर दो तो थ्री सी एल टू प्लस सिक्स ओ एच माइनस फाइव सी एल माइनस सी एल ओ थ्री माइनस प्लस थ्री एच टू, थ्री सी एल टू प्लस सिक्स ओ एच माइनस गिव्स आउट फाइव सी एल माइनस प्लस सी एल ओ थ्री माइनस प्लस थ्री एच टू, यही है ना? ओके एक केस और बचा हुआ, नहीं दो केस बचे हुए, हाँ KMnO4 प्लस HCl गिव्स आउट KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो मैंगनीज का प्लस सेवन से प्लस टू, मैंगनीज ने कितने का चेंज किया? फाइव इलेक्ट्रॉन गेन किया, मैंगनीज का कोएफिशिएंट वन ही है, एक मैंगनीज फाइव गेन कर रहा है तो एक ही तो है। और क्लोरीन माइनस वन से, यहाँ तो माइनस वन है, ये क्लोरीन ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हुआ, ये भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हुआ, बट ये जरूर हो गया, ये कितना हो रहा है? एक सी एल माइनस वन से जीरो जा रहा है, बट इसकी एटोमिसिटी तो वन ही है ना, इन टू वन, ये वन हो गया। अब मल्टीप्लाई करो तो वन इज टू फाइव, इसका फाइव इसका वन, तो ये हो जाएगा वन के एम एन ओ फोर, बट बैलेंस सिर्फ एम एन होगा और फाइव एच सी एल, ये बैलेंस होगा। अब इससे क्या बैलेंस करोगे? इस सी एल से कौन सा सी एल बैलेंस होगा? यही मेन पार्ट है, जो सी एल इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? सी एल टू में, तो तुम सिर्फ उसी को बैलेंस कर सकते हो जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है, तो ये सी एल फाइव बाई टू सी एल टू में गया, ऐसे लिखना होगा। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, अब वो क्लोरीन बैलेंस नहीं है जो KCl और MnCl2, वो तो माइनस वन का माइनस वन है, जो एज इट इज पड़ा वो कुछ नहीं मालूम चलता, जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहे हैं वो उसी को बैलेंस कर सकते हो। तो मैंगनीज एक है, तो मैंगनीज एक है किस स्टेट में? MnCl2, ये Mn तो बैलेंस है, वो Cl बैलेंस नहीं है। हाँ ये इतना क्लियर हुआ, तब आगे बैलेंस करेंगे, यहाँ से इंस्पेक्शन है। तो तुम वही एटम बैलेंस कर सकते हो जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। तब पोटेशियम कितना? एक है, तब पोटेशियम बैलेंस करने चले, कैसा बैलेंस होगा? एक पोटेशियम है, एक केसीएल ऐड कर दे,
बस हो गया। बट अब क्लोरीन बच गया, ये और ये, इसके लिए क्या करना होगा? ये क्लोरीन वो क्लोरीन है जो ना ऑक्सीडाइज हुए ना रिड्यूस हुए, तो 5HCl तो 5Cl2 हो चुका है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस है। तो यहां पे हम लोग 3HCl के फॉर्म में, रिएक्टेंट में तो HCl है ना, तब क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा ना, तीन क्लोरीन बैलेंस करना था, फिर 3HCl करने तो बैलेंस हो जाएगा। ओके अब पोटेशियम वो तो बैलेंस है, और कुछ बच गया? वाटर, वाटर कितना है? 5 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, 5 + 3 = 8, 4H2O कर दोगे तो बैलेंस हो गया ना। क्या हो गया? KMnO4 प्लस 8HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस 5/2Cl2 प्लस KCl प्लस 4H2O। चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2KMnO4 प्लस 16HCl गिव्स आउट 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 2KCl प्लस 8H2O। अभी बैलेंस है ना? क्लियर? अब वो देखो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 2 किया फिर, है ना, ताकि सब 2 आ जाए। वैसे वैसे भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हाँ, जब मोर देन वन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा तब क्या करेंगे? जैसे कि बैलेंस तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करना है, H2S3 प्लस HNO3 प्लस H2O गिव्स आउट S3SO4 प्लस NO प्लस S। अब आर्सेनिक का स्टेट देखो, इसमें दो ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं। सल्फर तो -2 होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, बट साथ में आर्सेनिक का भी हो गया, +3 से +5 गया, तो कैसे बैलेंस होगा? आर्सेनिक के कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? +3 से +5 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा 2 आर्सेनिक है, 2 इलेक्ट्रॉन × 2 4 इलेक्ट्रॉन तो इसी ने लॉस कर गया। और सल्फर -2 से 0 और ऐसा 3 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मोल ना, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मोल ऑफ H2S3। आर्सेनिक एंड सल्फर बोथ आर ऑक्सीडाइज, तो दोनों ने मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए। सोच लो, इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया यहाँ? +5 से +2, तो नाइट्रोजन एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? ये एक बार में आया, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करके चला गया, इंस्पेक्शन से आएंगे। आर्सेनिक कितना है?
फोर, यू विल लाइट फोर एस थ्री एस ओ फोर, ऐसे होगा ना? और सल्फर नाइन है, नाइन एस होगा। नाइट्रोजन टेन है ना, टेन एनओ कर देंगे तो हो जाएगा। अब बचा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको बैलेंस करो, ये सब तो बैलेंस हो गया। इधर कितना है, टेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो यहाँ एच टू ओ के फॉर्म में आएगा ना, नहीं इधर हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट साइड में ट्वेल्व था। आर्सेनिक इज सिक्स क्या? ओके रुको, आर्सेनिक सिक्स था, अतः सिक्स होगा, करेक्ट। तो एच टू ओ कितना आएगा, आर्सेनिक सिक्स का, करेक्ट। यहाँ 18 है, इधर 10 है, इधर 8 H2O ज्यादा, 8 हाइड्रोजन ज्यादा है ना, तो लेफ्ट में 8 हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में होगा, H2O, और 4 H2O करेंगे तो आ जाएगा बैलेंस, रेस्ट अपने आप बैलेंस होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा अपने आप। अब ये क्वेश्चन आएगा, वन मोल ऑफ KMnO4, ये एक बार ओलंपियाड में आया, फिर आईटी में कई बार आया हुआ, इनके टेस्ट में भी आता है, मैंने फेज वन को ही बोला था आएगा, तुम लोगों के टेस्ट में आया ही, तुम लोगों के भी टेस्ट में आएगा ही आएगा। वन मोल ऑफ KMnO4 ऑक्सीडाइजेस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeSO4? FeC2O4, फेरस ऑक्सीलेट, दो तीन बना लो, फेरस ऑक्सीलेट, दूसरा फेरस सल्फेट, थर्ड फेरिक ऑक्सीलेट, ये क्वेश्चन लर्न कर देना अच्छे से, इवन फैकल्टी टेस्ट में भी जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इतना फेमस क्वेश्चन है। एक मोल KMnO4 कितने मोल FeC2O4 को ऑक्सीडाइज करेगा? तो देखो KMnO4 जो था और FeC2O4, आयरन का स्टेट देखोगे तो C2O4 टू माइनस का बताया था मैंने, क्या होगा Fe2 प्लस है, यहाँ प्लस थ्री आया था ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस थ्री है प्लस टू है, तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन को किस में ले जाएगा, Fe2 प्लस Fe+3, CO2 को किधर ले जाएगा, प्लस थ्री से प्लस फोर, कार्बन गैस मैक्सिमम स्टेट का प्लस फोर ही है ना, खुद किधर जाएगा वो, Mn+2, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, आयरन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कार्बन भी एक लॉस कर रहा बट ऐसा दो है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 5 इलेक्ट्रॉन गेन, तो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, 3:5, बस हो गया क्वेश्चन का आंसर, 3 KMnO4 प्लस 5 FeC2O4, मतलब इसका वन मोल ऑक्सीडाइजेस व्हाट, 5/3 मोल के FeC2O4, यही आंसर हुआ ना। अभी दूसरा पार्ट था KMnO4 प्लस FeSO4, अब बताओ आयरन प्लस टू का तो प्लस टू ही रहेगा, प्लस थ्री जाएगा सॉरी, बस सल्फेट प्लस सिक्स में ही ऑक्सीडाइज होगा क्या, सल्फेट मैक्सिमम पे अब कहाँ ऑक्सीडाइज होगा, सारे इलेक्ट्रॉन तो दे चुका, बट मैंगनीज का तो फिक्स है 5 इलेक्ट्रॉन वो लॉस गेन करता है, और आयरन ने एक गेन किया था, इस बार क्या रेशियो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर और ये इधर, यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, 1 KMnO4 प्लस 5 FeC2O4, 5SO4, राइट में क्या मतलब नहीं है, मतलब 1 मोल KMnO4 ऑक्सीडाइजेस 5 मोल FeSO4, एक थर्ड भी है KMnO4
प्लस Fe2C2O4 थ्राइस, इसका स्टेट प्लस थ्री है, ये भी प्लस थ्री है, तो आयरन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, बट कार्बन ऑक्सीडाइज पड़ गया प्लस फोर, तो कार्बन ही लॉस किया प्लस थ्री से प्लस फोर, और ऐसा सिक्स है तो ये सिक्स आ जाएगा ना, और इसका फाइव है, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तीनों के एकदम रट्टा रग मार देना, तो वन मोल कितने को करेगा, 5/6, आंसर हो गया इसमें 5/6। चलो क्लियर हो गया इतना, अब पूरा बुक कलेक्ट कर जाओ, रेडॉक्स कर जाओ, लास्ट पेज लर्न कर लेना, ओलंपियाड के क्वेश्चन है देते रहते हैं, फिर मिलते हैं सैटरडे को, ओके चलो ऑल राइट, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं फिर, ओके okay?